हमारा जो एस्टिमेटेड बजट है वो है 100 रुपए का सिर्फ। अभी तो गेट ही नहीं खुला हुआ है, 10 बजे बोल रहे हैं यहाँ पे। अरे छोरे तन्ने शर्म ना आवे, इतना ही चल के तू हार मान गए। मुझे लग रहा भैंसों का तबेला, यहाँ से सिर निकाल के भैंस चारा खाती है। वो तेरे नाम वाला पागल खाना है क्या? यहाँ पे अकबर के बच्चे क्रिकेट खेलते रहेंगे ना, वहाँ शाहजहां जो विकेट कीपिंग करता था। आज भूल गई भाई, क्या है इसी में छापा पड़ा था। 40 दिन 40 दिन, सब 40 दिन लगाने जा रहे हैं, आप कितना दिन जाएंगे लगा? मेरी मेट्रो ही छूट गई। चलिए Assalamualaikum guys, Zakir Nadeem, you're watching me on channel Ayan Khan. I'm back again in the brand new vlog. और अभी सुबह के बज रहे हैं 3:20 के करीब। हम लोग अभी जा रहे थे दिल्ली के लिए। मेरे साथ मेरे दो मित्र और हैं, आसिफ अट खानसन, नजमुस साकिब हसन। बेचारे को डर लगा हुआ ट्रेन छूट जाएगी अपने। बगल में ही दिल्ली है अपना 150 किलोमीटर, मगर कभी गए नहीं है। अपनी ट्रेन है 3:50 की। एक दिन का पूरा प्लान है, आज जाएंगे और आज रात तक ही वापस आ जाएंगे। परसों से हमारा इंटर्नशिप शुरू हो रहा है, क्लासेस शुरू हो रही है, तो डेली क्लासेस करना, और उस बीच में 2 महीने के लिए हम लोग बहुत बिजी रहेंगे, कहीं निकल नहीं पाएंगे। तो सोचा जो आखिरी के कुछ दिन हैं, कुछ लम्हात हैं, उनको ढंग से जी लिया जाए, तो बस इसलिए निकल रहे हैं। भाई कोई रिक्शा नहीं है, प्लान कैंसिल, चलो वापस चलते, सो जाएंगे। आसिफ भाई बोल ही रहे थे नहीं जाते, प्लान कैंसिल कर देते हैं। भाई पैदल नहीं जा पाएंगे इससे से यार, पैदल क्या पता दिल्ली तक पैदल ही जा रहा। खैर जो मैं आपको बात बताना चाहता था, बहुत इंपॉर्टेंट बात, वो ये है कि हमारा जो एस्टिमेटेड बजट है वो है 100 रुपए का सिर्फ। और ये चैलेंजिंग काम इस नमूने का आइडिया है, इसी ने हमको सजेस्ट किया था कि हम लोग 100 रुपए में जाएंगे दिल्ली। जाने के एक्सपेंसेस कवर नहीं हुए इसमें। दिल्ली में लैंड होने के बाद रात तक जो हम लोग रहेंगे वो 100 रुपए का पूरा बजट है। आखिरी उम्मीद मिल गई। अरे तो भरा भरा है, हम छत पे बैठ सकते हैं। ये ऊपर वाले हम भी बाहर ही बैठे हैं, बस एक झटका और बाकी आप देख सकते हैं लापरवाही का नतीजा हो जाएगा। फिर फाइनली हम लोग स्टेशन पहुंच गए गाइस। चुप जाओ, रुके 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 रुके, ये देखिए इलीगली पार्क कर रहे हैं आराम से यार। शायद 5-6 मिनट बाकी अपने ट्रेन को आने में बस। How do you feel? बहुत lonely feel कर रहा हूँ, कोई है ही नहीं मेरे आसपास। I feel lonely with Alia Bhatt and 999 others. मैं ड्रोन लेके आया हूँ। अरे भाई फाइनली हम लोग पहुंच ही गए, और अभी हम जा रहे हैं जामा मस्जिद की तरफ अपनी फजर की नमाज जो है। ट्रेन में ही वक्त शुरू हुआ फजर का और ट्रेन में ही खत्म हो गया, तो अभी कजा जाके पढ़ना पड़ेगा। बाकी चीजें देखते हैं क्या करेंगे आगे। जैसा हमने प्लान किया हुआ था, 100 रुपए के अंदर हमको पूरा का पूरा जो है काम करना है अपना। ट्रैवल एक्सपेंसेस हम लोगों ने ही जोड़ रहे हैं, उसको नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। अरे भाई इधर आने दीजिए हमको। फिलहाल हम जा रहे हैं जामा मस्जिद, और अभी हम लोग कौन सी जगह है, चावड़ी बाजार में भी हम लोग हैं, फिर चांदनी चौक आएगा, उसके बाद शायद आगे जामा मस्जिद होगी, जैसा कि हमारे गूगल मैप बता रहे हैं, पर्सनल गूगल मैप। भाई टैलेंटेड बिल्ली है, इतना टैलेंटेड कोई हो सकता है? मुश्किलों के बीच से निकल रही है, जद्दोजहद कर रही है बिल्ली। Yeah.
शॉप्स आर अबाउट टू ओपन, शाम के वक्त शायद खुल जाएंगे, तब तक नहीं मतलब अभी खुल जाएंगे, शाम को तो चहलकदमी हो जाएगी। अभी तो गेट ही नहीं खुला हुआ है, 10 बजे बोल रहे हैं यहाँ पे, यहाँ के लोकल जो है बोल रहे 10 बजे खुलेगा। अभी जा रहे हैं हम लोग कुछ खाने के लिए, नाश्ता वास्ता करते हैं। अभी 8 बज रहा है, 2 घंटे बाद फिर आएंगे घूम फिर के इधर वापस। पराठे और सब्जी है भाई, पूरा इंतजाम है तो शीशे उशे का। ये आ गया अपना नाश्ता। ए भाई क्या कर रहे हैं? ओम फो। अपना नाश्ता वगैरह हो गया। इधर ही बगल में अपने था क्या क्या नाम है बाजार का, चोर बाजार, मीना बाजार, कुछ भी बोल दीजिए। यहाँ पे मौलाना अबुल कलाम आजाद। आर वी अलाउड टू गो इनसाइड? ये पीछे जो मकबरा है असली वाली कब्र है यही? यही ऐसे इतने खुले में है मकबरा, वही रहता है ना जहाँ कब्र रहती है। नहीं कई बार ऐसा होता है ना कहीं और रहता है, बट उनके बस याद के लिए बना रहते हैं और अलग जगह भी जहाँ मतलब रहे हुए हैं। okay, वो ऐसा तो नहीं है ना? ऐसा बरीड है ओनली। मेंटेनेंस वगैरह कुछ है ही नहीं यहाँ पे, पूरी घास वगैरह जंगल वंगल पूरा बन गया है। हे भाई चलो ना, वो वहाँ पे वो शायद पूल है, उसमें पानी भी नहीं है, उसके टाइल्स भी टूट फूट गए हैं। हाय आप बेवकूफ़ हैं, हम भी बेवकूफ़ हैं, हम लोग ऑनलाइन क्यों मंगाते हैं जूते? टिकट कटा के आया कीजिए ना, यहाँ पे वैन ह्यूजन जॉकी सब यही मिल रहा है, फालतू में हम लोग असली पैसा खर्च कर देते हैं, नकली पैसे मिल जाएगा। जामा मस्जिद तो बंद है, तो अभी फिलहाल लाल किले की तरफ जा रहे हैं, वो सड़क हम लोग क्रॉस करके आए इधर। अरे छोरे तन्ने शर्म ना आवे, इतना ही चल के तू हार मान गए? ओ थे देखो लाल किला दिख रहा है। प्यास के मारे फेफड़े छिल गए थे, अभी जाके कलेजे पीछे ठंड पै गई। भाई गोले में चप्पल उतारी है, कौन सी बात है, थक गए आप लोग, अब तो फजर पढ़ने का वक्त आ गया है, हम लोग फजर पढ़ेंगे फिलहाल। बाय द वे मेरे पीछे जो मस्जिद, इसका नाम सुनहरी मस्जिद है, और इसको बनवाया था किसने? मोहम्मद शाह की मिस्ट्रेस ने, क्या नाम था उनका, कौन सी बेगम? कुदसिया बेगम ने। ये जो मस्जिद है आपके सामने, ये 18th सेंचुरी की है। आप लोग ऐसे सोए पड़े हो, शर्म नहीं आ रही है? खैर मैं इसके बारे में विकिपीडिया पे देख रहा था, ये चांदनी चौक में है, मतलब हम लोग अभी फिलहाल चांदनी चौक में है। सो गाइस अपनी नमाज वगैरह हो गई, अब जा रहे हम लोग रेड फोर्ट की तरफ, शायद अब तक खुल गया होगा वो। हाँ हो गया अपना टिकट, हो गया सर्वे ऑफ इंडिया। चलो हमारे लोकल गूगल मैप के हिसाब से ये जो अंदर यहाँ हरी हरी जगह दी गई है ना, ये इसमें पानी भरा रहता था पहले, मतलब पहले के वक्त में, और उसमें मगरमच्छ डाले हुए रहते थे ताकि कोई आ ना सके, पार करके जा ना सके। मैंने नहीं बोला, ये बोला, ये लंबू भाई, ये रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा यार। बैग जो है नीचे जमा करना पड़ेगा। बैग जमा हो गया, सिक्योरिटी चेक हो गया, अभी हुआ नहीं वैसे, अभी और भी मंगू लग रहा है। ओ, देखो इधर भी है। ओहो हो ओहो, थोड़ा हाइप बनाइए ना सिर्फ। देखिए मेरा आज सब कुछ फर्स्ट टाइम है, दिल्ली में भी फर्स्ट टाइम है, रेड फोर्ट के सामने भी फर्स्ट टाइम है, जामा मस्जिद पे भी फर्स्ट टाइम, सब कुछ मेरा फर्स्ट 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 है। इसके ऊपर बैठते हैं क्या? धूप छाओ, धूप छाओ। अंदर पूरी मार्केट भी है क्या आसिफ भाई? भाई बादशाह यहाँ से एंट्री करते हुए दिख जाएगी। वर्ल्ड हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भाई। भाई यहाँ पर बैलेंसियागा का जरूरत ही नहीं है, गुची लुई विटॉन का कुछ नहीं जरूरत है, हैंडमेड चीजें हैं। ये पीछे आरएम हॉल का दरवाजा है, चलो डाइनिंग करने चलते हैं।
यहाँ की जितनी बिल्डिंग्स अभी तो नई दिख रही हैं, बाद में बनी हुई लग रही हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू हिम, अपना लोकल गूगल मैप बोला, मैं नहीं जानता। फोटोज में जाओ, फोटोज में, हाँ इधर मैप में तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कैसा मैप है ये? मुगल के जमाने से आए हॉकी टीम वाले, फोटो ले रहे हैं। अभी शाहजहाँ आएंगे खुद से देखने। आगे शाहजहाँ आ गए खुद से ही। भाई ज्यादा हो गया आपका, यही है, हम कुछ नहीं बोले, नहीं गलती सारी। थोड़े मोटे हो गए। औरंगजेब, अकबर, बाबर, दार सिको भी सब आ गए। ये मुजरा खाना है फिर आपके हिसाब से? हाँ भाई, वो अरे श्योर होती थी म्यूजिक होती। ये उसको मुजरा खाना बोल रहे हैं आसिफ भाई, मैंने ये बोल रहा है, मैं कुछ नहीं बोल रहा। आंखें छुपा के झूठ बोलेंगे? आंखें नहीं मिला सकते, इतना गद्दा झूठ बोल दिया। मतलब राजा वजा आते थे ना, तो गाना बजाना शुरू किया। ये नौबत खाना है, आपने इसको मुजरा घर बोला? भाई मैंने सही बोला था, गाना बजता है। अच्छा लिखा हुआ ड्रम हाउस। अरे फारूक सियार को, अरे सच में यही फारूक सियार को यही पे असैसिनेट किया गया था। ऐसे चाकू मार दिया, चाकू यहाँ पे धक्का देके। हिस्ट्री टीवी वाले देख लेंगे, केस थोप देंगे आपको। मतलब सीधा नहीं चलेंगे, घुमाएंगे पूरा। ये अपना दीवाने आम लोगों के लिए। स्ट्रेची हॉल है कुछ नहीं इसके सामने। क्या अलीगढ़ वाले, देख लो डल बल्लू आदमी। दीवाने खास वाला जो पिलर है उसको सोना हुआ चढ़ा हुआ था। ओके भाई, बिल्किस सुल्ताना का थ्रोन लग रहा है। कौन सा? बिल्किस सुल्ताना का थ्रोन, सुलेमान अलैहि सलाम के वक्त में जो वो थी सुल्ताना। अरे बाप, ये इतना ऊंचा है भाई, नहीं मैं इधर से नहीं आऊँगा। इसमें रहते होंगे सर? नहीं, ये मुझे लग रहा भैंसों का तबेला, यहाँ से सिर निकाल के भैंस चारा खाती थी। भाई ये वो तेरे नाम वाला पागल खाना है क्या? नहीं है, है नहीं। हमारा लोकल गूगल मैप कुछ बताएगा। बताइए सर क्या है ये? इसमें भैंसों को चारा डाला जाता था। 100 रुपये का बजट रखे ट्रिप का, इसको 1,00,000 रुपये फीस दिए, कोई काम नहीं निकला। अपना बजट ही बढ़ा लेना चाहिए ट्रिप का। पानी में काई लग गया भाई, अरे यार इसका भी नहीं मेंटेनेंस है। आसिफ भाई आप तो बोतल में पानी भरने वाले थे, पानी सड़ गया। ये फाउंटेन का हालत कितना खराब हो गया भाई, नहाने के लिए था। फाउंटेन का लेवल जो है ना, एक ज्यादा है फिर उसका कम एकदम डिमिनिश। नहर बहिष्ट नाम है। अरे एक सूफी सेंट थे, उन्होंने हस्त बहिष्ट लिखा था, उसी से मिलता जुलता नाम। कौन सी मस्जिद है? शायद मोती मस्जिद है, पता नहीं। दीवाने खास, ये दीवाने खास है। कहाँ गया अपना लोकल गाइड? शर्म नहीं आ रही उसको? सारा पैसा उसके ऊपर खर्च कर दिया मैं, एक तो गूगल मैप से ले लेके इन्फॉर्मेशन दे रहा हमको। देखो सारा पानी सूख गया भाई, पानी नहीं है भाई। यहाँ पे अकबर के बच्चे क्रिकेट खेलते रहे होंगे ना, वहाँ शाहजहाँ जो है विकेट कीपिंग करता था। अकबर के टाइम ऐसे बना भी नहीं था ये। नहीं बना, मेरी कोई गलती नहीं, अपने लोकल गाइड ने बताया, मेरी कोई गलती नहीं है। ये जफर महल है और इसका मेंटेनेंस ना होने की वजह से पूरी हालत जो है इसकी जर्जर हो गई है। उस साइड से तो आधा टूट के गिरने लगा है, और ये इधर पानी रहता था, सूख चुका है। बिल्ड बाय बहादुर शाह जफर इन 1842, स्टैंड्स इन द सेंटर ऑफ हयात बख्श गार्डन। गाइस लगभग सब कुछ हमने यहाँ का रेड फोर्ट का देख लिया है। इधर कुछ देर बैठ के रेस्ट करेंगे, उसके बाद निकलेंगे फिर जामा मस्जिद के लिए। जामा मस्जिद में जोहर की नमाज पढ़नी है, जोहर और असर दोनों को वहाँ पे जमा कर लेंगे। उधर से कहाँ निकलेंगे भाई? कुतुब मीनार। फिर अपना प्लान इंशाल्लाह कुतुब मीनार जाने का, सारी चीज़ें आज ही देख लेंगे इंशाल्लाह। इधर तामझाम खत्म हो गया, अभी हम निकलते हैं, भाई निकलते हैं अपने नेक्स्ट लोकेशन की तरफ जा रहे हैं। ये क्या भाई, कबाड़ा मार्केट है पक्का? खरीदो रे हॉस्टलर्स, दिस फॉर द हॉस्टलर्स। लस्सी भाई, शेरे पंजाब का लस्सी सुने हो? इसी भीड़ से तो बचने के लिए हम सुबह सुबह आए थे, सुबह बंद था, अभी आ रहे हैं फिर से भीड़ हो गई। या अल्लाह,
आपको पता है हम लोग बिरयानी खाने के लिए बैठे, हलीम कंपलसरी, अगर वो नहीं लोगे तो आपको बिरयानी देगा ही नहीं। और हलीम का टेस्ट कोई खास नहीं, मतलब अच्छा नहीं है, साकिब को खाना पड़ रहा है। यार जब से दिल्ली आऊँ सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के मैं थक गया हूँ। बैठा ऊपर, बैठा भाई को। भाई बिस्मिल्लाह। ओए चल भी नहीं रहे तू। मेरे पैर जल रहे भाई, मोजा हम इसलिए उतारे हमके नमाज पढ़ना है भाई। मेरे पांव बड़े भयंकर जल रहे हैं। यहाँ जामा मस्जिद पे मुझे मेरे दो सब्सक्राइबर्स भी मिल गए, फहीम फयाद, फयाद ना। गाइस फाइनली हम ऊपर जा रहे हैं। अरे भाई अल्लाह ने बुला लिया, अल्लाह ने बुला लिया। अरे भाई ये क्या है, कांटेदार घोड़ा दौड़ता था इस पे कि नहीं भाई? घोड़े के तो पांव पे होते रहते, नाल रहती थी, हमारे नाल नहीं है। मोजा पहनना पड़ेगा, पहनिए मोजा, पहनिए। मैं वहाँ जाना ऊपर 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 ऊपर। दीजिए साकिब, मत कूदो मत कूदो, सब सही हो जाएगा। हेलो गाइस, दिस इज आयन खान। चले आ, अरे चल ना भाई, टांका झाकी कर रहा है, ऐसे नहीं देखते। फाइनली आयन खान एंड हिज सर्विस रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम दिल्ली जामा मस्जिद। हमको इसके ऊपर जाना है। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों पे नहीं, अभी असली ऊंचाई पे जाना है। अंधेरा है, दिख नहीं रहा है कुछ। हम भाई ये क्या हो रहा है, हमको कुछ दिख नहीं रहा है भाई। इन सीढ़ियों पे शाहजहां चढ़ते थे। खिड़की देखिए ना, आंसू फूल गई भाई, क्या है क्या। अच्छा वो माइक नहीं लगाया वरना आवाज गूंज जाती मेरी। चलो यार हमारा लोकल गूगल मैप। अरे भाई खत्म क्यों नहीं हो रहा है, शायद हम लोग आ गए। अपना सब देख दाख के खत्म हो गया, जामा मस्जिद एक्सप्लोर कर ली, हम लोग इस ऊंचाई पे पहुंच के आ चुके, सारा पैसा वसूल हो गया। वाली फीलिंग नहीं है, नहीं। कौन सी फीलिंग? 500 रुपए एक्स्ट्रा ले ले और उतार दे। हाँ वो आया था, थोड़ा देर के लिए आया था वो, मगर बीच बीच में रोशनदान है ना तो हवा पानी आ रहा था, हमारे फेफड़े फूल जा रहे हैं, देख रहे हैं कितना नहरो। अभी ऊपर लोग खड़े हैं। और ये साकिब भाई अतर लेते हुए अपने लिए, ये क्या सूंघ के क्यों देख रहे हो, टेस्ट करके देखो। चलो भाई, हे चलो रे, थक गया क्या आप लोग? जद्दोजहद जारी रहनी चाहिए, ठीक है भाई। अरविंद केजरीवाल की छापी हुई नोट है। कहाँ बिजी रहते हैं आप? Walking out of time, looking for a better place, looking for a better place. भैया बैठ गए। Always in my headspace. Oh, I hope someday I'll be. कितने आदमी हो? कौन सी मस्जिद? मुगल गार्डन, मुगल मस्जिद। यह एक छोटी सी मस्जिद है जिसमें इबादत खाना एवं तीन कक्ष हैं जिनके ऊपर गुंबद बने हैं, ठीक है भाई। आर्किटेक्चुअली इट इज असाइन टू द लेट मुगल पीरियड। चलिए भाई, ये मुगल बगीचा है, काफी बड़ा है भाई, इसमें तो पूरा एमयू आ जाएगा। हालत खराब हो गई भाई घूमते घूमते।
देख रहे हैं जद्दोजहद देख रहे हैं। एक दिन में तीसरी जगह है जहाँ पे हम लोग आ गए। सुबह गए लाल किला, फिर गए जामा मस्जिद, अब एक कुतुब मीनार, इसके बाद निजामुद्दीन जाना। जद्दोजहद जारी रहेगी। हरप्पा एंड मोहनजोदारो सिविलाइजेशन आ गए हम लोग। आर वी अलाउड टू गो इनसाइड? या वी आर अलाउड टू गो। ओम फोग, ये लुक्कन छुपाई खेलते थे वो अकबर के बच्चे आके। ये किसकी है? किसी बाबा को गिरी भाई, इसमें कूदी है ना भाई, जान चले जाएगी मेरे, इसमें कूद गया तो। वो हम लोग जामा मस्जिद के ऊपर चढ़े तो अपना चीथड़ा उड़ गया। इसके ऊपर चढ़ते तो चीथड़े उड़ जाते हैं। हम लोग बचते नहीं वापस। एन खान इज डैम एन खान, एन खान इज डेड एन खान हो जाता। अरेबिक कैलीग्राफी है? नहीं भाई, हमको नहीं लग रहा है अरेबिक नहीं है। अच्छा हाँ, साइड में इधर मीम है। चलिए भाई चलिए चलिए, नाला बह क्यों नहीं रहा है? ही इज़ अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। भाई भाई मेरी आँख में कुछ गया भाई। भाई मुगल वाले मुझसे नाराज़ हो गए क्या? सब कपल्स बैठे हुए हैं। उसी बैठे उसी क्या ही कर पाएंगे भाई। यहाँ सब अपना फटा हुआ मोहब्बत का इज़हार कर रहा है। आई लव यू एम प्लस ए, एम ए मास्टर्स डिग्री से बहुत मोहब्बत करता है। सुजीत लव्स रूबी। अरे कितना जाओगे भाई? टूट के गिर रहा कैसे? तिरछा हो गया। अरेबिक में इसमें भी लिखा हुआ है। पीछे आइलैंड, आगे कबाड़ खाना। अलाई मीनार। गाइस यहाँ भी सब कुछ हमने एक्सप्लोर कर लिया है, कुछ बचा रहा है क्या? क्योंकि बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा है, लिटरली थक चुके हैं। अभी एक दो जगह और जाना, उसके बाद फिर रफू चक्कर। अलीगढ़ के लिए भी आज ही निकलना है। 100 रुपए वाला जो बजट था उसकी वाट तो लग गई है, बट फिर भी हम लोग बहुत कम ही खर्चे में सब इतना कुछ घूम लिए हैं। कम खर्चा किए हैं, बहुत एनर्जी में भी बाकी है और जद्दोजहद भी चली जा रही है, बट अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हो गया। You are eating biscuit that too alone. फेफड़े छिल गए भाई दौड़ते दौड़ते। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। बड़ी मेहनत लग गई, बहुत ज्यादा मेहनत। अभी एडिट करने में तो 100 गुना ज्यादा मेहनत लगेगी। नवाब भाई सुन लीजिए, नवाब नवाब को कुत्ते। कश्मीरी गेट होकर जाएंगे हम लोग निजामुद्दीन, खास होते हुए जाएंगे। सही बोल रहे ना, हमको कोई नहीं पता, ये बता रहे जो वो बता रहे, हम कुछ नहीं बोले। मेरी मेट्रो ही छूट गई, खैर आ गई। दिल चाहता है गले से लगा लूं। क्या किस्मत है भाई। इसी में आया। खुलो भाई खुलो ना, सब्सक्राइब मारो चैनल को, ठीक मांग रहा हूँ मैं फखर से। निजामुद्दीन आ गए, फाइनली वी आर इन निजामुद्दीन। कितना ट्रैफिक है भाई। निजामुद्दीन दरगाह की जो मार्केट, इसी में छापा पड़ा था। 40 दिन 40 दिन, सब 40 दिन लगाने जा रहे हैं। आप कितना दिन जाएंगे लगाने? पौने 2 दिन। पौने 2 दिन लगाएंगे, खतरनाक आदमी भाई। रेडी हो गए ब्रांच वाले? भरा हो गए।
कितनी अंगूठी लिए भाई, दिखाओ जरा दिखाओ। शादी होने वाली भाई, निकाह होने वाला है साकिब भाई का। भाई कितना लिया? तीन निकाह करेगा। तीन निकाह करेगा डायरेक्ट। गाइस फाइनली हम लोग अंदर से बाहर आ गए। कुछ भी नहीं बोलूंगा, बस एक चीज बोलूंगा, अंदर मेरे को बहुत सफोकेशन हो रहा था, बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। आई वॉज अनएबल टू टॉलरेट दैट प्लेस एनफ। और ये साकिब भाई अपनी चौथी बीवी के लिए अंगूठी लेते। मैं अलीगढ़ पहुंच के फिर इस ब्लॉग को एंड कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। गाइस फाइनली हम लोग अलीगढ़ पहुंच गए भाई। पूरा आप लोगों को हम छोड़े हैं सही सलामत जिंदा हालत में। जाइए जाइए जाइए, खुश रहिए, आबाद रहिए, एहसान हम जिंदगी बने भूलेंगे जी, मत भूलिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। चाहिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, हर जगह फैलाइए। बहुत मेहनत लगा वीडियो को बनाने में। अस्सलाम वालेकुम।